और आशा करते हैं कि जो हमारे चैंपियंस ऑफ चेंज हैं, ये आप लोगों के जीवन में भी कई प्रकार से प्रेरणा लेकर आएंगे। आचार्य बालकृष्ण, उनको आयुर्वेद में योगदान के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड मिला और उनका कहना है कि आयुर्वेद को बढ़ावा देना मेरे जीवन का लक्ष्य रहा है। चैंपियंस ऑफ चेंज जैसा बड़ा अवार्ड मेरे इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा और तमाम हमारे वीवीआईपीज़ डिग्नेटरीज रहे जिनको आज चैंपियंस ऑफ चेंज से अवार्ड से नवाजा गया, और हमारी जूरी जो है उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व अध्यक्ष NHRC जस्टिस KG बालाकृष्णन, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा भारत की पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, श्री पहलाज नीलानी पूर्व सेंसर बोर्ड अध्यक्ष, और श्री सुभाष घई वरिष्ठ भारतीय फिल्म निर्देशक। तो हमारी जूरी ने जिस तरीके से चयन किया और जिन लोगों का चयन किया, ये एक लंबी प्रक्रिया है। एस्पिरेशनल जिलों से लेकर जो लोग शिक्षा, हेल्थ केयर, विज्ञान के क्षेत्र में अनवरत सतत प्रयास करते रहते हैं, उनके प्रयासों को एक तरह से सराहने की और ज़्यादा दिशा देने की भी कोशिश एक, हम ये कह सकते हैं कि चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड जो है वो करता है। एक्नॉलेज किया जाना अपने आप में एक उपलब्धि होती है कि यस, आप अपने फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और उसको न सिर्फ एक्नॉलेज किया गया बल्कि आपको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो मैं आर्मी बैंड से एक बार फिर से गुजारिश करूँगी कि जब तक हम अपने साथ जोड़ पाते हैं HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को, वो विज्ञान भवन में मौजूद हैं, बस कुछ ही और पलों का इंतजार, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शिल्पा शेट्टी जी मौजूद रहेंगी, राज कुंद्रा मौजूद रहेंगे, मुकेश ऋषि अभी आपके बीच में आए थे और फोटो ऑप के लिए और एक छोटे इंटरव्यू के लिए वो बाहर गए हैं, वो भी जल्दी आपके समक्ष आप ही के साथ मौजूद होंगे। और हमारा यह सौभाग्य होगा कि आज हम इन तमाम गणमान्य व्यक्तियों को सुनेंगे और जो उनके प्रयास रहे हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। तो जब तक हम उनका इंतजार कर रहे हैं, एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आर्मी बैंड से।
मैं सभी मंच पर मौजूद गणमान्य मेहमानों से निवेदन करना चाहूंगी कि दीप प्रज्वलन के लिए कृपया वो आए और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का औपचारिक तौर पर शुभारंभ करें। इससे ज्यादा शोभायमान कोई मंच क्या होगा। कृपया जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और मैं आपसे अनुग्रह करूंगी कि कृपया अपने अपने स्थान पर आप विराजित हों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय स्वामी जी, अवधेशानंद जी, आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, आदरणीय भाई निशंक जी, आदरणीय श्याम जाजू जी, बम्बई से पधारी कलाकार शिल्पा जी, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रीमान जी, आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप जो सब लोग दिल्ली शहर के प्रमुख बाशिंदे यहाँ विराजमान हैं, सबका स्वागत करता हूँ। ये एक अद्भुत कार्यक्रम है और ये नंदन झा, ये नौजवान जिन्होंने ये पहल की, ये उनके चमत्कार का परिणाम है कि हमारे देश और विदेश के जो चुने हुए लोग हैं, जो भारत के नवनिर्माण में संलग्न हैं और अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन सबको चुनना और इतनी अच्छी ये जो चयन समिति बनी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, इसने चुना है लोगों को। इन लोगों के चुनने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, सिर्फ यही है कि भारत को एक महाशक्ति बनाने के लिए जो लोग कार्यरत हैं उन सब का सम्मान करना। मैं समझता हूँ कि भारत को महाशक्ति बनने में कोई ज़्यादा देर नहीं है। पिछले 70-72 साल में जितनी सरकारें बनी उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया, लेकिन भारत के मुकाबले जो मुल्क बाद में आज़ाद हुए थे या बाद में अपने पांव पर खड़े हुए थे वो आज काफ़ी आगे निकले हुए हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए और सीखना उन देशों से भी चाहिए जो आज दुनिया की सबसे महत्तम शक्ति बने हुए हैं। दो क्षेत्रों में उन्होंने जबरदस्त क्रांति की, उसकी वजह से आज वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सबसे ताकतवर राष्ट्र हैं। द्वितीय महायुद्ध के पहले तक अमेरिका का कोई खास अस्तित्व नहीं था। ब्रिटेन जैसा छोटा सा देश जो उसके एक प्रांत के बराबर भी नहीं है उस पर हुकूमत करता था किसी ज़माने में, लेकिन दो काम किए उन्होंने जबरदस्त, उसने हिला दिया सारी दुनिया को, अमेरिका को दुनिया की महत्तम शक्ति बना दिया। वो क्या थे? शिक्षा में क्रांति कर दी और दूसरी स्वास्थ्य में सुधार कर दिया। भारत में ये दो काम बहुत ज़रूरी हैं। आज संयोग की बात है कि हमारे शिक्षा मंत्री, जिनको राजीव गांधी ने गलती से मानव संसाधन मंत्री कह दिया था, और मैंने तब भी कहा था, राजीव गांधी को भी कहा था कि ये गलत नाम आपने दिया है, और डॉक्टर जोशी जब थे तो इनसे भी मैं कहता था कि मानव संसाधन कोई शब्द नहीं है, शिक्षा मंत्री शब्द होना चाहिए। मनुष्य को संसाधन बना रहे? अरे मनुष्य तो साध्य है, उसको साधन कैसे बना रहे? पंडित रमेश पोखरियाल विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, ये शिक्षा मंत्री बने हैं। मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि शिक्षा में
कुछ जबरदस्त परिवर्तन करेंगे, क्रांतिकारी काम करेंगे। जो काम डॉक्टर जोशी ने किए थे अपने ज़माने में, कई बड़े दिव्य काम किए थे, उन कामों को आगे ले जाएंगे और नए रास्ते खोलेंगे, नए आयाम खोलेंगे। इसी तरह से स्वास्थ्य के मामले में आज डॉक्टर हर्षवर्धन भी यहाँ आने वाले थे, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, आ जाएँ तो बहुत अच्छा है। उनसे भी मैं उम्मीद करूँगा कि स्वास्थ्य के मामले में चमत्कार करके दिखाएं। हमारे पड़ोसी देश जो हमारे प्रांतों से भी छोटे हैं, उनके यहाँ स्वास्थ्य सुधार की, बेहतर चिकित्सा की, इलाज की बेहतर व्यवस्था है, हमारे यहाँ नहीं है। ये दोनों क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य, लूटपाट के सबसे बड़े साधन हैं। गरीब लोगों को कोई राहत नहीं है। ये दो काम हो जाएं तो जो चैंपियंस के अवार्ड दे रहे हैं, चैंपियंस ऑफ चेंज, जो भारत को बदलने के अवार्ड दे रहे हैं, इन अवार्डों को देना अपने आप में सफल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन बंधुओं को, जिन बहनों को आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, और अभी प्रणब मुखर्जी साहब ने अपने घर पर जो सम्मानित किया, ये सब लोग अपने मिशन में सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे और अगले 5 वर्षों में भारत को एक संपन्न, सबल और सुखी महाशक्ति बनाएंगे। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रताप वैदिक जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को। बड़ी देर से सभागार में मौजूद जितने भी हमारे गणमान्य मेहमान हैं, आप सभी मंच पर मौजूद गणमान्य मेहमानों को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। शिल्पा प्लीज। आदरणीय मुरली जी, जितने भी अतिथिगण हैं यहाँ पे स्टेज पर, उनको मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। यहाँ पे मौजूद ही होना मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है, ऊपर से पुरस्कार भी मिला है मुझे आज। तो मैं कहूँगी कि ये बात मेरे लिए सुपर से ऊपर ही है। ऑनेस्टली कहा जाए तो मुझे ऐसे लगता नहीं है कि मैंने कोई ख़ास काम किया है, करना चाहती हूँ, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। कहते हैं कि डेमोक्रेसी में रह के ना हम सब अपने राइट्स जानते हैं, लेकिन कोई ड्यूटी करता नहीं है। सो इफ़ वी नो आर राइट्स, आई जस्ट विश वी वुड बी एबल टू ऑल्सो एक्सरसाइज आर ड्यूटीज़, and that would make this country a better place, a cleaner place. जहाँ तक स्वच्छता के बारे में ये जो टॉपिक है, विषय है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, एक बहुत ही स्मॉल इंस्टेंस की बात करूँगी। माँ और बेटे के बीच का एक कॉन्वर्सेशन जो हुआ है, उसके बारे में। बेटा देखता है कि जो कूड़ा उठाने के लिए जो आदमी आता है, उसको देखता है, वो बरामदे में खेल रहा है, और बुलाता है अपनी माँ को और कहता है कि माँ देखो वो कचरा उठाने वाला आया है, कचरे वाला आया है। तो फिर माँ ने देखकर जवाब दिया कि नहीं बेटे, वो तो सफाई करने वाला है, कचरे वाले तो हम हैं। तो दृष्टिकोण की बात है, एटीट्यूड की बात है। मैं योग में बहुत बिलीव करती हूँ, सिर्फ योग प्रैक्टिस ही नहीं करती, मैं उस फिलॉसफी के साथ जीती हूँ। और जो योग करते हैं, जो योग के बारे में जानते हैं, स्वामी जी भी अग्री करेंगे कि योग में एक अहम नियम है सोच। और हम जब सोच की बात करते हैं तो सीमित हो जाते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आर सेल्व्स। मस्तिष्क, मन की सोच, एक क्लैरिटी का होना, अगर एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप कोई भी काम करें, उस एटीट्यूड के साथ, अगर आप क्लिनलीनेस की ओर भी देखें, तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, उसका आउटकम पॉजिटिव होगा। तो बस उसी सोच के साथ मैं कहूँगी कि
अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छा सोचिए और यही बात को बस आगे बढ़ाइए। एंड ये हम कोई ख़ास काम नहीं कर रही, ये हमारी ड्यूटी है। तो मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आपने सोचा कि मैं इस अवार्ड की हकदार हूँ। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक नंदन जी जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे एक चैम्पियन करार दिया है। सो आई जस्ट वांट टू से कि मुझे प्रेरित करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं आशा करती हूँ कि मैं लोगों को भी प्रेरित करती रहूँ। बस ऐसे ही आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शिल्पा शेट्टी का जो योगदान रहा है स्वच्छता में उसको लेकर कृपया उस वीडियो को प्ले करें। सुश्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और श्री राज कुंद्रा, स्वच्छ भारत अभियान। तालियां प्लीज। चैंपियंस ऑफ चेंज बनने पर अनुराग ठाकुर जी को बहुत बधाई और मैं आमंत्रित करती हूं अनुराग ठाकुर जी को। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो पंचायती टाइम्स का, पावर कॉरिडोर का और ज्यूरी मेंबर्स का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है कि मेरा कुछ योगदान सामाजिक क्षेत्र में हुआ है। हालांकि हर राजनेता के कर्तव्य बनता है कि जिस भी पद पर रहे कुछ ना कुछ योगदान उसका समाज और देश के प्रति रहे। मुझे लगा जब सरकारी नीतियों से काम नहीं केवल चल पा रहा तो व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जो पहाड़ी राज्यों के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव प्रकट होता है तो कैसे उन तक पहुंचा जाए। युवाओं को नशों से दूर रखने के लिए किस तरह से खेलों को बढ़ावा दिया जाए। वहाँ के युवाओं को केवल कुछ क्षेत्रों में अपना भविष्य देखने की बजाय न्यू इंडिया के निर्माण में बहुमूल्य योगदान देने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दिया जाए। कुछ कार्यक्रम मैंने अपने क्षेत्र में किए लेकिन किसी अवार्ड के लिए नहीं किए थे। वो केवल समाज में बदलाव लाने के लिए किए थे, एक नई सोच, एक नई पहल, एक नए भारत के निर्माण के लिए किए थे। लेकिन आपने पीठ थपथपाई है, उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं यही कहूंगा, सफलता तभी मिलती है जब उसे पाने का प्रयास होता है। प्रयास करने का पहला पड़ाव खुद पर विश्वास करना होता है, खुद पर विश्वास करना होता है। हम सबको खुद पर विश्वास होना चाहिए। शिल्पा जी ने यहां पर कहा कि योग भी करती हैं, सफाई भी करती हैं, और ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं योग से, स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत की ओर हमें ले जाती हैं। मैंने जब अपने संसदीय क्षेत्र में देखा कि गांव दूर दूर हैं, 17 विधानसभा क्षेत्र हैं, 6000 पंचायत, 6000 गांव हैं, अस्पताल नाम की चीज नजदीक कोई नहीं, तो मैंने चलता फिरता अस्पताल चलाया। डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन सब थे। हमने कहा अस्पताल आपके द्वार, और आप विश्वास मानिए 2 साल से कम समय के अंदर 1,90,000 से ज्यादा लोगों की मुफ्त में जांच, उपचार और दवाइयां देने का काम हमने किया। लाखों युवाओं को खेलों के प्रति ना केवल आकर्षित किया, उनको खेलने के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।
आप सब करते होंगे किसी ना किसी रूप में, और मुझे लगता है कि अगर भारत में बदलाव लाना है और आगे बढ़ाना है, 21वीं शताब्दी में भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो बहुत आवश्यक है कि हर भारतीय का कोई ना कोई योगदान हो। और जब आप किसी अवार्ड की अपेक्षा नहीं करेंगे, तब जाकर आप सही मायने में, सही रूप में समाज की सेवा कर पाएंगे। ये तो केवल हौसला बढ़ाने के लिए है। हमसे ज्यादा काम बहुत सारे लोग करते होंगे, शायद मंच पर आने का अवसर भी नहीं मिलता होगा, लेकिन उनका काम रुकता भी नहीं, वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे पास संसाधन हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन उनके पास संसाधन भी नहीं, मुश्किलें भी उनके पास ज्यादा आती होंगी। आपके जीवन में भी मुश्किलें बहुत आती होंगी। मैं तो कहूंगा परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है, हर जिंदगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहां होता है, लड़ने वालों के कदमों में ही जहां। तो विपरीत परिस्थितियों के साथ हमें लड़ना भी है। और मैं तो पहाड़ी राज्य से आता हूं, हमारी जिंदगी ही ऐसी है। खिलाड़ी भी रहा, जब तीसरी बार का सांसद बना पिछली बार, तो फौज में कमीशन्ड ऑफिसर भी बना, क्योंकि जज्बा था कि देश की सेवा करनी है। और मेरे लिए वो गर्व का समय था कि एक तरफ मेरे पिता थे, एक तरफ आर्मी चीफ थे। जब मेरी पिनिंग सेरेमनी हो रही थी वहां पर, हम हर किसी के अंदर किसी ना किसी विषय को लेकर कुछ ना कुछ योगदान करने की भावना रहती है, लेकिन संकोच कई बार लगता है कि मैं कितना कर पाऊंगा। मुझे लगता है अगर हम अपनी बिल्डिंग में भी, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में परिवर्तन ला पाए, और 130 करोड़ भारतीय उसी सोच के साथ आगे बढ़ें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक पाएगी। जिनको अवार्ड मिला है उनके लिए तो इतना ही कहूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। और अगर भारत को 21वीं शताब्दी में विश्व गुरु बनना है, दुनिया में अपना मुकाम हासिल करना है, केवल $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं, इसके साथ साथ समाज के अलग अलग वर्गों में बदलाव लाना है, तो हम हर किसी को एक बड़ा योगदान करना होगा। ज़्यादा लंबा यहाँ पर भाषण करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल जी, आदरणीय श्याम जाजू जी, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं तो केवल धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आया था, केवल दो लाइनें कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा कि आसमान को छूने की ख्वाहिश दिलों में पलती रहने दो, हकीकत करने हैं जो ख्वाब तो एक आग सीने में जलने दो, एक आग सीने में जलने दो, तो ये आग जलती रहे और हम देश को सही दिशा में ले जाते रहें। समाज में जो परिवर्तन करने के लिए हम सबको सम्मानित किया गया है, उसके लिए धन्यवाद भी करता हूँ, आपको आश्वासन भी देता हूँ, ये लो ना कम होगी, ना ये आग कम होगी, ये इस अवार्ड के बाद चैंपियंस ऑफ चेंज के दिलो दिमाग पे भी ये बढ़ती जाएगी, और समाज में और चैंपियंस उभरे इसके लिए भी हर हम सब प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। कैन वी प्ले वीडियो ऑन अनुराग ठाकुर जी फॉर अ ग्रेट स्पीच ही हैज डिलीवर्ड। अनुराग जी, आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अनुराग ठाकुर हैज कैरिड आउट एक्सट्रॉर्डिनरी इनिशिएटिव्स टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। वन ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड एंड एग्जीक्यूटेड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव बाय श्री ठाकुर कॉल्ड अस्पताल सांसद मोबाइल स्वास्थ्य SMS सेवा प्रोवाइड्स फ्री प्राइमरी मेडिकल सर्विस दैट केटर्स टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश विद 1,89,554 विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 1.5 ईयर्स।
having led BCCI to being credited for building the world-famous Dharamshala Cricket Stadium. Shri Anurag has continuously encouraged the spirit of sports in Himachal Pradesh. Sansad Star Khel Mahakumbh and Himachal Pradesh State Olympics Games are some of the major initiatives that together witnessed participation of over 1.5 lakh youth of Himachal Pradesh. The voyage, filled with continuous efforts and immense contribution to public service, has been recognized nationally and internationally. From being awarded the best young parliamentarian and recognized as a young global leader by the World Economic Forum to becoming the only member of parliament from BJP to be awarded the Jury Committee Special Award at Sansad Ratna Awards. His ideas and ideals are reflected in the extraordinary work that he has been doing, be it in the field of sports, health and environment, armed services or social work. Leading India towards growth, Shri Anurag Singh Thakur. Salute. अब मैं गुजारिश करूंगा श्रीमती दीपा वेंकट जी से कि वो अपनी स्पीच दें. श्रीमती दीपा वेंकट. Namaskar. I'm really happy that the humanitarian efforts of our Swarna Bharat Trust, being rendered from past 18 years in Andhra Pradesh and Telangana, have been recognized and awarded the Champions of Change Award, and making true our mentor and chief visionary and my father, Sri Muppavarapu Venkaiah Naidu Ji's belief that our action should speak, not our words. We had been doing service to the rural masses in the field of health, education, and empowerment with technical training, skill training, and also to the needy, meritorious rural government school children. We had been in this field as an endeavor to teach people to learn their living and to stand on their own feet, not to depend on anyone else or not to become a menace to the society. We target to the school dropouts from the age of 14, 4 to 14 years, and to all such children who are deprived of primary education. We are doing all the activities free of cost, with nothing from any form of aid from any of the government. From past 18 years, I'm humbly presenting that through Swarna Bharat Trust, we have touched around 5 lakh lives through our health services and super specialty medical camps being done every month in the villages and in our chapters in Venkatachalam, Nellore, Vijayawada, and Hyderabad. And we have touched more than 1 lakh lives with giving them free training in skill, technical, and occasional training for both men and women, and for the needy with minimum livelihood programs to the maximum, which would cost them, say, something from 5,000 to almost a lakh of rupees, free of cost with free accommodation and course material. And I'm not saying this with a pride, but because we believe, as I said, in the vision of my father, that doing service to mankind is doing service to divine. And let us teach a man to fish rather than giving a fish to eat. This, we have been doing this as an endeavor from the trust, where 10 of my father's friends have come together in the year 2001 and started it in our native place in Nellore. And now we are in, as I said, in Nellore and Vijayawada and Hyderabad. We have been doing our educational institutions and initiatives
in our Nellore and Vijayawada chapters. For the children who are engaged in child labor and also the children who are dropouts from school. We want to touch the maximum lives without expecting anything in return, and we are not affiliated to anything or any political party or any politically affiliated party. I want to stress on this because people may take it for granted just being a daughter of so-and-so. She's talking all these things. It's not so. It has been run with a passion and as a challenge taken up, because Father always says that being good, doing good is the most difficult task, but not the impossible task. And he wanted us to do this. And we feel and believe that no gesture is too small, no act of service is too modest. Whether you promote and preserve cultural heritage, empower rural youth through skill development, or commit to mentoring someone in your neighborhood, every action is a step towards building a more gracious and more generous society. That is the society what my father himself sought to build and give something back to the society which has given us so much. We thank one and all who walked with us in this journey of humanitarian service, and I express my humble gratitude to the jury for recognizing us, and I congratulate wholeheartedly all the other champions of change who have been awarded this award along with me, and I profoundly thank the Almighty to have blessed me to have been born to such wonderful parents and to be placed with a wonderful family of my spouse, Mr. Venkat Rao, and my children, Vishnu and Sushma, who had helped me to come this long without bothering me much and giving time to do service what I have chosen. Thank you very much. Jai Hind, Jai Swanabhai. मैं अब निवेदन करूंगा हमारे माननीय एचआरडी मिनिस्टर प्रखर वक्ता बुद्धिजीवी रमेश पोखरियाल जी से कि वो अवार्ड दें हमारे चैंपियंस टीम। बहुत जोरदार तालियां रमेश पोखरियाल जी के लिए। और हम अपने अवार्डीज को बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले हम बुला रहे हैं श्री सर्वेश गोयल। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिए। वो हमारे आज के इंडियन अचीवर हैं। नेक्स्ट अवार्डी बाईचुंग भूटिया। मिस्टर अजय हरिनाथ सिंह, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। ये हमारे आज के इंडियन अचीवर्स हैं, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, तालियों के हकदार हैं। आरुषि पोखरियाल, जो कि मंच पे आसीन है, और ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है कि पिता बेटी को सम्मानित करें, और बेटी आज की इंडियन अचीवर है, और ये पिता के लिए भी उतने ही गर्व की अनुभूति है। परफेक्ट पिक्चर, पिक्चर परफेक्ट अगर इसको कहें तो गलत नहीं होगा। जोरदार तालियां। अजीत डालमिया जी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अवार्ड लें। उससे पहले मैं डॉक्टर सोहिनी शास्त्री जी से रिक्वेस्ट करूंगी। डॉक्टर सोहिनी शास्त्री हमारी आज की चैंपियंस ऑफ चेंज भी हैं और इंडियन अचीवर भी, दोहरी खुशी उनके लिए, उतनी ही जोरदार तालियों से कृपया स्वागत करें। अजीत डालमिया जी, मिस्टर अजीत डालमिया, नाउ मे रिक्वेस्ट मिस्टर आरके शर्मा टू कम एंड गेट द अवार्ड। आरके शर्मा जी,
इन्होंने साल भर अपने अपने क्षेत्र में मेहनत की, तब ये आज के इंडियन अचीवर्स हैं। इनकी मेहनत को जोरदार तालियों के साथ सफल बनाइए। इंद्रमन सिंह जी, मे आई रिक्वेस्ट मिस्टर इंद्रमन सिंह एंड कम एंड रिसीव द अवार्ड प्लीज। जोरदार तालियां चैंपियंस ऑफ चेंज। ये भी हमारे आज के इंडियन अचीवर हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी डॉक्टर वाई किरण कुमार जी से, कृपया मंच पर आए। डॉक्टर वाई किरण कुमार के लिए जोरदार तालियां। मे आई नाउ रिक्वेस्ट दीपा कुमार चौधरी। मुकेश ऋषि जी, जो कि जाने माने अभिनेता हैं, सभागार तालियों से गुंजायमान रहना चाहिए, क्यों कम पड़ रही हैं तालियां। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे प्रोमिनेंट एडवोकेट विजय अग्रवाल। मिस्टर विजय अग्रवाल, अजय हरिनाथ सिंह, मिस्टर अजय हरिनाथ सिंह, मिस्टर बालागा प्रकाश राव, एक बार फिर से मैं अनुग्रह करूंगी अपने मेहमानों से कि कृपया जोरदार तालियां बजाइए। मिस्टर बालागा प्रकाश राव, मे आई नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर राजकुमार बैदा टू कम एंड रिसीव द अवार्ड प्लीज। डॉक्टर राजकुमार बैदा, जोरदार तालियां। बालागा प्रकाश राव, जो कि इस वक्त सम्मान ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी और साथ ही डॉक्टर राजकुमार बैदा के लिए भी। यह हमारे इंडियन अचीवर हैं आज के, कृपया जोरदार तालियों से इनका एक बार फिर से सम्मान कीजिए। Now may I request Mr. Ajay Ajmera ji to come on stage and receive the award. Ajay Ajmera ji. अजय अजमेरा जी के लिए जोरदार तालियां एक बार। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी श्री नंदन झा जी से कि वो सम्मानित करें एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को।
जोरदार तालियां। Now I would like to kindly invite Arushi Pokhriyal, please आप मंच पर आए और संबोधन करें। उससे पहले मैं बोलना चाहूंगी रमेश पोखरियाल निशंक जी से अनुग्रह करना चाहूंगी, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र, सुनना चाहेंगे हमारे गणमान्य मेहमान आपको। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जो परिवर्तन के योद्धा हैं उनको हम बधाई देने के लिए आए हैं। मैं हृदय की गहराइयों से और अपार हिमालय से लेकर के और देश के असेतु सागर तक के सभी लोगों के मन की जो विभिन्न क्षेत्रों में आपने काम कर किया है और काम करते हुए आज जो इस संस्था ने उनको चिन्हित किया है, मैं संस्था के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को कि आशीर्वाद तो बिखरे रहते हैं लेकिन उनको चुनने की ज़रूरत होती है और पहचानने की ज़रूरत होती है, आपने ये पहचाना ये किया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस मंच पर ऐसे पुरोधा बैठे हैं और अपने अपने क्षेत्र के ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने न केवल इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। पूज्य स्वामी जी तो भारत की संस्कृति के पुरोधा हैं और भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में सरसाने में जो उनका योगदान है हम सभी उनसे हमेशा प्रेरित होते हैं, वो हमारे लिए पूज्य हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस गति से जिस शालीनता से जिस प्रखरता से भारत की संस्कृति को उसके परचम को दुनिया के शिखर तक पहुँचाने का संकल्प लेकर के स्वामी जी चले हैं, मैं एक बार उनके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मेरे लिए खुशी का भी विषय है कि मेरी प्रेरणा के स्रोत और राजनीति में हमारे जिनका आशीर्वाद सबको ही रहा है और जो विज्ञान हो चाहे अनुसंधान हो चाहे साहित्य हो चाहे संस्कृति हो हर क्षेत्र में जो पुरोधा के रूप में जिन्होंने भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है ऐसे मेरी प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे लगता है कि जस्टिस बालाजी हैं, उनसे भी हम जब चीफ जस्टिस थे बालकृष्णन जी और मैं मुख्यमंत्री था तब से हम लोगों का बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अकलुषित हैं और मुझे अच्छा लगा कि इस संस्था में ज्ञान सुधा जी और दोनों लोगों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, आपका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि शिल्पा जी ने जो जिस बात को कहा और जो उन्होंने कहा दृष्टिकोण का विषय है, बात एक ही होती है, सोच का विषय होता है, जब सकारात्मक सोच होती है दृष्टिकोण अच्छा होता है तो वही बात आपको कहीं लेकर के चली जाती है, लेकिन यदि दृष्टिकोण ठीक नहीं रहता और सकारात्मक सोच नहीं रहती तो वो बात कहीं की कहीं पहुंचा देती है। और इस बात को हमारे जो पत्रकारिता के पुरोधा हैं आप सब जानते हैं, वेद प्रकाश वैदिक जी जिनका बहुत लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में हमको मार्गदर्शन मिलता रहा है और उनके जो लेख हैं जो वैचारिक लेख उन्होंने राष्ट्र को दिए हैं और समय समय पर उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हम सब लोग करते हैं, जो उन्होंने कहा कि कूड़ा, शिल्पा जी की एक बात सभी के मन को छू गई कि वो कूड़ा वाला तो हम हैं वो तो सफाई वाला है। दृष्टिकोण बात एक ही है, वो किस तरीके से मन के अंदर विचार आया, क्योंकि ये देश विश्वगुरु रहा है इसके बारे में इत देश प्रसुद्ध से सकाश अग्र जर्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरण पृथ्व्याम सर्व मानवा की बात हमेशा से रही है, हम विश्व बंधुत्व वाले हैं,
अयम निजः परोवती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जिसने पूरी दुनिया को अपना कुटुंब माना हो वो विचार कितना विशाल हो सकता है, आप इस बात को समझ सकते हैं। ये भारत का चिंतन, भारत में पैदा होने वाला कोई भी, क्योंकि हमने संसार को अपना परिवार माना है और धरती को अपना माँ माना है। हमारे सुरेश भाई साहब भी आज यहाँ पर हैं, मैंने विलंब से उनको देखा, सुरेश ओबराय जी का, उनके भी सकारात्मक सोच से हम खूब परिचित हैं। और सौभाग्य से हमारी श्याम जाजू जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मेरे प्रदेश के तो प्रभारी भी हैं, और समय समय पर उनका हमको मार्गदर्शन मिलता रहा है। अनुराग जी को आज यहाँ पर सम्मान देते हुए और पाते हुए और उनको सुनते हुए और उनकी फिल्म देखते हुए मेरे को आनंद की अनुभूति होती है। हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं केंद्र के, उनका अभिनंदन है। छोटी सी आयु में, और चाहे भारत की संसद हो और चाहे जमीन पर किसी सामान्य व्यक्ति की मदद करने का उनके अंदर जो मादा है, जो छटपटाहट है, जो जिज्ञासा है, जो जिजीविषा है, और जो उनका दृष्टिकोण रहा है, मैंने अनुराग को बहुत लंबे समय से देखा है। और जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे संयोग से, तब भी मेरा हिमाचल में बहुत आना जाना रहा है, और अनुराग तब से एक लंबे समय से भारत की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे लगता है तीसरी चौथी पांचवी बार का होगा, चार बार से भारत की संसद में एक युवा अपना प्रतिनिधित्व देता है, छोटी बात नहीं है। मैं उसको बहुत बधाई देता हूँ, मैं शुभकामना देता हूँ। और उन्होंने अच्छा कहा कि ये जो भारत किसवीं सदी में जो विश्व गुरु रहना है, क्योंकि ये जो मुझे लगता है कि ये भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और हमेशा विश्वगुरु रहेगा, क्योंकि हमारी रगों में, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामय की बात करते हैं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब तक धरती पर कोई भी इंसान दुखी होगा तब तक मैं सुख का एहसास कर ही नहीं सकता। ये जो विचार है, इसी विचार ने और विश्व को, लोगों ने पूरी दुनिया को मार्केट माना है, हमने वर्ल्ड को मार्केट नहीं माना है, हमने, हम मार्केट नहीं मानते विश्व को, हम उसको परिवार मानते हैं। हम जानते हैं जो बाजार मानते हैं, बाजार में व्यापार होता है और परिवार में प्यार होता है। हिंदुस्तान को इसी से समझ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान पूरे संसार को परिवार मानता है और पूरी दुनिया के लोग इस संसार को बाजार मानते हैं, और इसलिए हमारा ये सारा परिवार है। परिवार जब बड़ा होता है तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की इच्छा होती है और पराकाष्ठा होती है हर चीज को करने की। और इसलिए मैं ये समझता हूँ, आज अरुषि भी यहाँ पर हैं और हमारे राज कुंद्रा जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, नंदन जी को, जो ये अभियान इन्होंने शुरू किया। और मैं देख रहा था कि प्रणव दा तो वैसे हमारे भारत रत्न हैं, उनको भी मैं बहुत शुरू से ऐसे सकारात्मक चीज़ों में उन्होंने हमेशा अपना बहुत योगदान दिया है, लेकिन जिस तरीके से ये जो जो लोग छांट करके ये हमारे हीरा हैं और इनकी चमक निश्चित रूप में दूर तक जाएगी, क्योंकि जो लोग अपने जीवन का तिल तिल खपा करके रोशनी देने का मादा रखते हैं, जिंदगी वही जीते हैं, बाकी सामान्य तो ढोते हैं अपनी जिंदगी को। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। वातावरण बनता है, जब वातावरण बनता है सामान्य भी आदमी, छोटी बात भी कभी बड़े परिवर्तन का विषय बन जाती है। और इसलिए आज मेरे लिए बहुत सुख का विषय है। और दीपा को मैं देख रहा था और मुझे तो अभी 4 बजे वाली फ्लाइट से जाना था, वहाँ पर वेंकैया जी के साथ अभी 7 बजे हम लोगों को रहना था चेन्नई में, लेकिन अभी भाग रहे हैं और मेरी ओर से क्षमा भी मांग दीजिए, मैं समय पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ। लेकिन जो ट्रस्ट ये काम कर रही है दीपा जी, उसको भी मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ, और रात दिन खप करके और पूरी टीम के साथ सारा स्वार्थ एक तरफ रखकर, ये भारत ही हो सकता है ऐसा देश, उनकी रगों में कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं हैं, ऐसे विचार हैं जो उद्वेलित करते हैं कुछ करने के लिए। मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ शिल्पा जी, जैसे आपने चर्चा की है कि स्वच्छ भारत का, ये जो
केवल ये कूड़ा करवट दिखाई देने वाला केवल वही गंदगी नहीं है, असलियत में जो पर्यावरण है और जो प्रदूषण है, सबसे पहले तो ये मानसिक प्रदूषण को हमको दूर करना होगा। जिस दिन मानसिक प्रदूषण दूर हो जाएगा, दुनिया की आधे से अधिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आधे से अधिक समस्याओं, क्योंकि मुसीबत तो कोई भी चीज तो व्यक्ति ही कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ये व्यक्ति है उसके केंद्र में, वो कर क्या रहा है। जब तक उसकी मन स्थिति को हम परिवर्तन नहीं करेंगे, और इसलिए मुझे लगता है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं जो नए भारत के निर्माण की बात उन्होंने संकल्प ली, कैसा भारत, जो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, सशक्त भारत हो, समृद्ध भारत हो, एक भारत और श्रेष्ठ भारत हो, वो श्रेष्ठ भारत जो सारे विश्व में विश्व गुरु रहा है, जिसने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया है, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र ऐसा था जिसमें मेरे भारत ने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन नहीं किया। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में भी इस देश के अंदर रहे हैं, जहां जब दुनिया में कुछ रहा ही ना हो, तब पूरी दुनिया के लोग हमसे यहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। और इसलिए मैं समझता हूं, मैं इनको सब जो परिवर्तन के योद्धा हैं, परिवर्तन भी सामान्य नहीं होता है, परिवर्तन के लिए ललक चाहिए, छटपटाहट चाहिए। और अटल जी कहते थे, छोटे मन वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता और टूटे तन वाला कभी खड़ा नहीं हो सकता। जिसका छोटा मन वाला होगा वो बड़ा काम कर ही नहीं सकता, छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रहने वाला व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, परिवार कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। बड़े काम के लिए बड़ा मन चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, बड़ा विचार चाहिए, बड़ा संघर्ष चाहिए, बड़ा धैर्य चाहिए और बड़ा समर्पण चाहिए, हर चीज बड़ी चाहिए। और ये लंबी रेखा खींचने वाले जो लोग हैं, जो ये योद्धा हैं, मुझे उनको अभिनंदित करते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है। और इसलिए मुझे क्षमा के साथ कि मेरे डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं, स्वामी जी हैं, और तमाम लोगों का उद्बोधन सुनता और उसका मैं लाभ लेता, लेकिन उस सौभाग्य को मैं जुटा नहीं पा रहा हूँ। मैं दोबारा फिर आपके बीच आऊँगा, लेकिन एक बार पुनः जहाँ स्वामी जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है और जिन लोगों को आज सम्मान मिला है, वो सम्मान उनके कामों से और प्रेरणा लोगों को मिलेगी। और आपकी ये ताकत बनकर हम सब आपके साथ हैं। पूरा देश 130 करोड़ लोगों का देश है ये, और इसलिए 130 करोड़ लोगों के देश में जब इस तरीके के लोग आते हैं तो निश्चित रूप में मेरे नए भारत का निर्माण तो तय है, उसने होना ही होना है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, और एक बार पुनः हृदय की गहराई से आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत करतल धुनियों से स्वागत किया जाए। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमती उषा वेंकैया नायडू, जिनकी उपस्थिति से इस चैंपियन ऑफ चेंज की गरिमा बहुत बड़ी है, वो अपनी बेटी दीपा वेंकट के साथ आई हैं। मैं चाहता हूं कि नंदन झा जी उनका स्वागत करें। और मैं अपनी वीडियो टीम से ये अनुग्रह करूंगी कि कृपया दीपा वेंकट जी का वीडियो प्ले करें। स्वर्ण भारत ट्रस्ट के में अमूल्य योगदान के लिए दीपा वेंकट जी आज हमारी चैंपियंस ऑफ चेंज है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया और गांधी जी के उसी स्वप्न को आदर्श मानकर साल 2001 में प्रारंभ हुआ स्वर्ण भारत ट्रस्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। स्वर्ण भारत ट्रस्ट ग्रामीण अंचल के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराता है। स्वर्ण भारत ट्रस्ट की कोशिश है कि गांव और शहर के बीच की दूरी को खत्म किया जाए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वर्ण भारत ट्रस्ट युवाओं को इलेक्ट्रिशियन, प्लंबिंग, मोबाइल रिपेयर और कंप्यूटर ट्रेनिंग जैसे रोजगार संबंधी कोर्स कराता है। ग्रामीण भारत में स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लिए भी ट्रस्ट के माध्यम से कई योजनाएं सुचारू रूप से चल रही है। ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती दीपा वेंकट का मानना है कि समाज सेवा को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं आगे ले जाने की जरूरत है। आज श्रीमती दीपा वेंकट द्वारा संचालित स्वर्ण भारत ट्रस्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सराहनीय प्रयासों को चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार प्रदान करते हुए हम गर्व का अनुभव करते हैं।
जोरदार तालियां। और इस स्पीच में अनुग्रह करना चाहूंगी आरुषि पोखरियाल जी से मंच पर आए और संबोधन करें। युवाओं को सुनना भी अपने आप में बेहद दिलचस्प होता है, तो अभी हमने रमेश पोखरियाल जी को सुना और अब हम सुनते हैं आरुषि पोखरियाल को। मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित जन, यहाँ पे उपस्थित वो सभी लोग जो आज समय निकालकर ये सोचने और बात करने आए हैं कि समय में परिवर्तन कैसे लाना है। और मेरा इंट्रोडक्शन आप तो दे नहीं पाए क्योंकि बड़ी जल्दी थी, लेकिन थोड़ा बहुत अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगी कि मैं आरुषि निशंक कथक नृत्यांगना हूँ, मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ और एक प्रोड्यूसर भी हूँ। और उससे ज्यादा गर्व मुझे ये बात कहते हुए होती है कि मैं उस राज्य उस प्रांत से आई हूं जिसे देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है। ये मेरा वही राज्य है जो गंगा की जन्मस्थली है और आयुर्वेद का जनक है। ये मेरा वही राज्य है जहां की महिलाएं पेड़ों को भी अपना बच्चा समझकर उन्हें गले से चिपटाकर पूरे विश्व को चिपको आंदोलन देती है। ऐसे राज्य की बेटी मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और नमन करती हूँ। आज बात हम कर रहे हैं परिवर्तन की, आज हम बात कर रहे हैं चेंज की, तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि हम वो भारतीय हैं जिसने हमेशा परिवर्तन में विश्वास रखा है। हम वो लोग हैं जिसने समस्याओं की तरफ नहीं देखा। ये वो भारत है जिसने पूरे विश्व को अपना परिवार मान के वसुधैव कुटुंबकम कहा है। ये मेरा वो देश है जो कहता है असतो मा सदगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। और ये मेरा वही देश है जो कहता है सहना ववतु सहनो भुनक्तु। आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं एक बहुत छोटे मैसेज के साथ मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। जो स्पर्श गंगा अभियान मेरे पिताजी द्वारा 2008 में शुरू किया गया था, उसे आज हम पूरे देश और दुनिया में फैलाकर 5.5 लाख से ऊपर लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। और आज आपसे भी वही आह्वान करने यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि फिर वही कहूंगी कि जब पूरी दुनिया स्टार्टेड टू टॉक अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी, बिकॉज यूनाइटेड नेशन टुडे टॉकिंग अबाउट इट, बट वी आर द इंडियन पीपल, वी ऑलवेज नो हाउ टू यूज आवर रिसोर्सेज, हाउ टू रिसाइकल देम, हाउ टू सेव आवर रिसोर्सेज इन अ ग्रेट कैपेसिटी। मेरा ये वही भारत है जहां राजस्थान में एक माँ अपने बच्चे को खाट पे बैठाकर नहलाती है, उसके नीचे एक टब रखती है ताकि जब बच्चे का स्नान खत्म हो जाए तो वो पानी वो दोबारा उपयोग में ला सके। तो हम सभी लोगों को किसी सॉल्यूशन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर द सॉल्यूशन। वी ऑल नो दैट व्हेन वी वर स्मॉल, हम सभी से हमारे टीचर एक ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट पेंट करने के लिए कहती थी, और आज आप सभी को इंक्लूड करके ये पोर्ट्रेट 2 मिनट में पेंट करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग उस पोर्ट्रेट में क्या क्या बनाया करते थे, जब हमसे कहते थे कि खूबसूरत सीनरी को ड्रॉ करिए, यस माउंटेन्स फिल्ड विथ स्नो एंड वी हैड ब्लू रिवर, वी हैड ग्रीन ट्रीज, यस। But unfortunately, today 1.3 billion liter kachra dumped into Ganga every single day. So I'm sorry we don't have a blue river to see. Because of this global warming, हर साल 2% और हमारा temperature बढ़ जाया करता है। हर साल 15 million से ज़्यादा पेड़ दुनिया में काट दिए जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध ये है कि जो scenery आपके और हमारे दिल और दिमाग में हमेशा से थी, उसको बचाए रखने के लिए, उसका संवर्धन रखने के लिए, लेट्स वर्क टुगेदर। और अपनी बात को खत्म अपनी 2 फेवरेट लाइंस में करना चाहूंगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि, और आई एम श्योर कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन बातों का आपने जिक्र किया है वो जानते भी हैं, लेकिन उसको और अच्छे तरीके से आगे अपने जीवन में अपनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला और आपने
हमें संबोधित किया। और अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे श्री श्याम जाजू जी को। वेलकम ऑन स्टेज श्री श्याम जाजू जी। श्याम जाजू जी का करतल ध्वनि से स्वागत करिए। और उससे पहले नंदन झा जी उनका स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियां आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। आज के कार्यक्रम के आयोजक नंदन झा जी का मैं अभिनंदन करता हूं। मूर्ति छोटी है पर कीर्ति बड़ी है। पंचायती टाइम्स के माध्यम से जिस प्रकार का मंच आज शोभायमान हुआ है, इस प्रकार की बड़ी बड़ी हस्तियां और जिनका सम्मान किया जा रहा है, ऐसे सब लोग, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा संगम करना अपने आप में एक बड़ी बात है। एक बात कह के मेरी बात खत्म करूंगा। आप सबके चेहरे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मंच पर और भी ऐसे लोग बैठे हैं जिनको आपको सुनना है। और राजनीति में काम करने वाले को सामने वाले के चेहरे पर क्या चला है ये समझा नहीं तो वो राजनीति में काम करने लायक नहीं है। आज़ादी के पहले की बात है, जापान में रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक बार लेक्चर के लिए बुलाया गया और हॉल में भीड़ नहीं थी। चाहे वाइस चांसलर बाहर जाकर लोगों को कहने लगे, आपको मालूम नहीं भारत का इतना बड़ा तत्ववेत्ता आया है, महाकवि आया है, नोबेल पारितोषिक विनर आया है, आपको उनका भाषण सुनना चाहिए। लोगों ने भाषण सुनने के लिए मना किया। लोगों ने कहा कि हमें मालूम है वो बड़ा फिलोसॉफिस्ट है, महाकवि है, नोबेल पारितोषिक विनर भी है, पर जो देश गुलाम है ऐसे गुलाम देश के तत्ववेत्ता का तत्वज्ञान सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और आज उसी जापान के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते हैं और नरेंद्र मोदी जी उनको गंगा आरती के लिए बनारस लेके जाते हैं। जिस प्रकार के गुणवत्ता प्राप्त लोगों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, ऐसे हरेक एक एक व्यक्ति ये इस देश की एसेट है। सरकार तो सरकार का काम करेगी, उसके साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में समाज में बदलाव लाने के लिए जो कोई मॉडल प्रस्तापित करना होता है, आप सब लोग उसके उस लिए काम कर रहे हैं। और नंदन जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको अप्रिशिएट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, समाज के सामने ऐसी प्रतिभाएं लाने के लिए जो प्रयास किया है, इसलिए उनको धन्यवाद देकर मेरे दो शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार। तो देखिए, कमजोर तालियां बाध्य कर रही हैं मेहमानों को ये कहने के लिए कि आप उन्हें सुनना नहीं चाहते। बहुत अच्छा आपने स्पीच दी, शॉर्ट एंड स्वीट। अब मैं निवेदन करूंगा अपने पूजनीय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जूना पीठाधीश, जिनको आप बहुत दिनों से सुनते आए हैं, आज सामने ही आप उनके पर्ल्स ऑफ विजडम सुनेंगे। मंचस्थ आदरणीय न्यायमूर्ति के जी बालाकृष्णन और इस संपूर्ण कार्यक्रम के दिव्य आकर्षण आज के मुख्य अतिथि, जिनके पास चिंतन की शुद्धता, चरित्र की उच्चता, आचरण की पारदर्शिता है, जो इस देश की मनीषा पांडित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे दार्शनिक, विचारक और हम सबके प्रेरक आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, उन्हीं के वाम पार्श्व में बैठे वैदिक विद्वान जिन्हें प्राय राजनीतिक पंडित और एक ऐसा ऋषि के रूप में जाना जाता है जो भारत की संवेदनाएं, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और यहाँ की विद्या का पूरे देश विदेश में प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे डॉक्टर वैदिक जी, उनके ही वाम पार्श्व में बैठे धवल चरित्र के व्यक्ति और राजनीति के पंडित आदरणीय श्याम जाजू जी, न्यायमूर्ति आदरणीय ज्ञान सुधा जी,
एक सभ्य शिष्टशालीन साधक जिसके पास पौर्वात्य पश्चिमात्य दोनों परंपराओं का तल स्पर्श बोध है, ऐसे आदरणीय सुरेश ओबराय जी और हमारे बीच में बैठी आदरणीय सम्माननीय भारत की सेकंड लेडी द्वितीय सम्मानित महिला आदरणीय उषा वेंकैया जी, बहन गीता कौडा जी, आदरणीय कौडा जी और इस समूह में वे सब जिन्होंने आज चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड प्राप्त किया है, ऐसे अनेक प्रतिभागी, मैं भी आज उस अवार्ड को लेकर आनंदित अनुभव कर रहा हूँ। सन्यासियों को प्राय गृह त्याग कर देने के बाद फिर किसी सम्मान, अभिनंदन, प्रशस्ति पत्र, विरुदावली और उपहार आदि की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी पूरी तरह से समर्पित होता है सभी के लिए और वो वृक्ष जैसा जीवन जीता है, जैसे वृक्ष की प्रत्येक वस्तु सबके लिए, गौन, छाल, छाया, वलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, भूस्खलन को रोकने के लिए उसकी जड़ें अथवा उसकी आर्द्रता, परजन्यों को बुलाने के लिए उसके पास एक गीलापन अथवा प्राण सत्ता, सूख जाने पर उसकी संविधा अथवा ईंधन की लकड़ियां, ये सब जैसे सबके लिए हैं वैसे सन्यासी का जीवन भी सबके लिए होता है। पर चूंकि मुझे सम्मान सांप्रदायिक सौहार्द के लिए दिया है तो बहुत ही संकोच के साथ ये बात मैं कहना चाहूँगा कि हमने पिछले लगभग एक दशक से हिंदू ज्यूइश समिट के माध्यम से कुछ अलग तरह के संवाद किए, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर और कुछ अलग प्रकार के समाधान निकल कर आए। वादे वादे जायते तत्व बोध, हम लोगों के संवाद, वार्ताएं, हमारे परस्पर जो इंटरफेस डायलॉग रहे या जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, विश्व की अनेक समस्याओं के लिए जो और भी अनेक प्रकार के समागम रहे, उनके बड़े सार्थक परिणाम आए हैं। मैं बहुत ही संकोच के साथ ये बात कह रहा हूँ कि 21 जून को ये जो योग दिवस मनाया गया, इसको हम 15 साल पहले मना रहे थे लिस्बन में और वहाँ के कुछ अलग अलग धर्मों के लोग मिलकर इसे कर रहे थे। आज पूरे संसार में विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि तेजी के साथ जो सभ्यता संस्कृति फैल रही है पूरे संसार में, वो हिंदू सभ्यता संस्कृति है, उसके संस्कार हैं। भले संख्या की दृष्टि से हम ऐसा नहीं कर पा रहे होंगे, पर हमारा आहार, औषधि अथवा योग और बहुत सी जीवन की चीज़ें पश्चिम में आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। आदरणीय नंदन जी और उनकी पूरी टीम ने मेरे नाम का चयन किया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड है, ये मैं भारत की संत परंपरा, ऋषि परंपरा को समर्पित करता हूँ। अब चूंकि उन्होंने मुझे जिस ढंग का अवार्ड दिया है वो है चैंपियंस ऑफ चेंज, तो मैं ये कहना भी चाहूँगा कि हर पल जीवन में परिवर्तन है, कोई जीवन न, कोई पल ऐसा नहीं इसमें परिवर्तन न हो, और सच तो यही है कि जीवन का सत्य ही परिवर्तन है। हम उसमें एक सुखद परिवर्तन ला सकें, एक अच्छा रूपांतरण ला सकें, इस दिशा में हम सबको ही कार्य करना चाहिए। अब उन्होंने बात चेंज, चैंपियंस ऑफ चेंज की बात कही है, तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे कठिन काम कुछ है जीवन में तो वो है परिवर्तन, पर अन्य में नहीं, स्वयं में, दूसरे में नहीं, स्वयं में एक अच्छा परिवर्तन हम अपने भीतर ला सकें, इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। आदरणीय नंदन जी की पूरी टीम, उसमें गीता बहन, माधवी और अनेक लोग जिनके मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, जैसे शर्मिष्ठा और उनकी पूरी टीम को मैं एक अच्छे से कार्यक्रम की बधाई भी देता हूँ। और उन्होंने आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी को इस अनुष्ठान में आमंत्रित किया है, ये और इस अनुष्ठान की अथवा इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। हम सब जानते ही हैं कि वो भारत की एक दिव्य विभूति हैं और उनको पाकर अपने बीच में हम धन्य हैं कि वो अभी भी हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं समर्पित करता हूं। और ये चूंकि दूसरा अवार्ड सेरेमनी अथवा दूसरा अनुष्ठान है,
दूसरा कार्यक्रम है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अगला जो इनका आयोजन हो, आज भी अभी भी सारा देश साथ है या सभी प्रांतों के भिन्न भिन्न दिशाओं के प्रतिभागी इसमें हैं जिनका चयन किया गया है, मैं फिर से इस संस्था की प्रगति के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और अवार्ड को मैं भारत की ऋषि परंपरा संत परंपरा को समर्पित करता हूँ। ओम शांति। स्वामी अवधेशानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद और हम सब अभिभूत हैं आपको सुनकर, और आपके बाद मेरा सौभाग्य कि मैं कुछ बोल पा रही हूँ, और जैसा आपने कहा चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जस्टिस ज्ञान सुधा जी को, हमारे जूरी मेंबर हैं और जूरी का काम बेहद महत्वपूर्ण और उतना ही थकाने वाला या उबाने वाला भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ढेरों एंट्रीज आई थी और उनमें से चुनना कि कौन वाकई चैंपियंस ऑफ चेंज होंगे और कौन इंडियन अचीवर्स होंगे, ये जिम्मेदारी बखूबी जस्टिस ज्ञान सुधा जी ने निभाई है। बहुत स्वागत जस्टिस ज्ञान सुधा जी, और तालियों से एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप इनका स्वागत करें। मंच पर आसीन स्वनामधन्य अतिथिगण, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आदरणीय डॉक्टर श्री मुरली मनोहर जोशी जी, हमारे अग्रज आदरणीय श्री के जी बालाकृष्णन जी, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत के, हमारे गुरु भाई डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, स्वनामधन्य कलाकार श्री सुरेश ओबराय जी, इस आज के इस आयोजन के कर्णधार सूत्रधार स्वप्न दृष्टा श्री नंदन झा जी, जिन्होंने आज इस तरह के आयोजन से हम लोगों को बांधे रखा, मंच आज के सभागार में उपस्थित सारे आदरणीय अतिथिगण, इन सबसे बढ़कर सारे अवॉर्डीज जिन्हें आज जिन्हें जिनका आज सम्मान किया गया, इस सब और सबसे बढ़कर हमारे प्यारे बच्चों जिन्होंने चैंपियंस ऑफ पेशेंस का अवार्ड तो उनको मिलना ही चाहिए। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस आयोजन में जुड़ने का मौका मिला है, और एक न्यायाधीश को हमेशा सबकी सुनने के बाद उनको फैसला देना पड़ता है, तो उसी क्रम में मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ऑलमोस्ट बाद में आकर आप लोगों के ऊपर फैसला देने नहीं किंतु आप लोगों को शाबाशी देने, आप लोगों को बधाई देने आई हूँ कि आप लोगों ने इस समाज को गुणवत्ता का संदेश दिया है, और इस सोच को भी नंदन झा जी ने आगे बढ़ाया है कि चेंज इज इनेविटेबल, जो परिवर्तन है वो हमारा हमारे संसार का एक अकाट्य सत्य है, उसको आगे बढ़ना है, लेकिन परिवर्तन की दिशा हमेशा पॉजिटिव हो और वो हमेशा हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए, ये इन्होंने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, मेरा मानना है कि यही इसी को स्थापित करने की एक कोशिश उन्होंने की है और उसमें वो बहुत सफल रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इसमें जो भी थोड़ा अपना योगदान दे पाई, तो मेरा हमेशा से मानना है कि हर बात में ये न्यायाधीशों को कैसे जोड़ा जाता है, तो उसकी उसका एक जस्टिफिकेशन भी मेरे अंदर आया कि हम जो भी काम करते हैं हर किसी के बस में हर काम नहीं होता है। मैं अगर चाहूँ कि मैं चैंपियंस ऑफ चेंज का अवार्ड ले लूँ तो मुझे लेने में भी संकोच होगा, लेकिन अगर हम अपने अपने क्षेत्र में गुणवत्ता से क्वालिटी
डिलीवर करें, चाहे हम जिस कला के क्षेत्र में हैं, न्याय के क्षेत्र में हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, या बच्चों की पढ़ाई का ही क्यों ना हो, या स्वच्छता का क्षेत्र हो, तो उसमें हम सबों को क्वालिटी एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। और जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम अगर हर अपने अपने क्षेत्र में क्वालिटी डिलीवर करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से चेंज तो होना ही है, और चेंज ऑलवेज विल बी फॉर द बेटर। मैं आप लोगों के धैर्य की और परीक्षा नहीं लेना चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपनी ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, और इस बात को मानती हूँ कि आप लोगों ने अपने अपने कार्य से समाज को गुणवत्ता एस्टैब्लिश, क्वालिटी एस्टैब्लिश करने की जो कोशिश किया वह हमेशा बनी रहे। और हम अपने जिस जिस क्षेत्र में भी हैं, वह हम अगर जैसे मैंने कहा कि न्यायाधीशों को क्यों जोड़ा जाता है हर बात से, तो मेरा एक जस्टिफिकेशन उसके अंदर है कि अगर हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उत्साहवर्धन तो कर सकते हैं। तो हम सभी का ये दायित्व है कि जो भी जिस काम में भी लगा हुआ है हमें उसको उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं तीन चीज़ों से क्वालिटी डिलीवर होता है, एनर्जी, एंथुजियाज्म एंड हैप्पीनेस। अगर एनर्जी है तो उसके अंदर एंथुजियाज्म है, तो हम सबों को एंथुजियाज्म को डैम्पन नहीं करना है, उसको बढ़ाना है। तो ये उस क्रम में, उस कड़ी में इस प्रोग्राम का मैं बहुत बड़ा महत्व मानती हूँ, क्योंकि जो जब हम लोग छोटे छोटे थे तो सिर्फ नेशनल अवार्ड्स हुआ करते थे, या कला के क्षेत्र में फिल्म फेयर अवार्ड हुआ करते थे, तो आज हर क्षेत्र के लोगों को उन्हें उत्साहित करना है, और उत्साह के लिए उनको ये बताना कि आप जिस काम में लगे हुए हैं वो क्वालिटी से कर रहे हैं, और हमें पता है कि आप क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं आप सबों का, नंदन झा जी का विशेषकर, और इनकी दो कार्यकर्ता जिनको मैंने बहुत नज़दीक से काम करते देखा, शर्मिष्ठा और अंकिता, को इतने समर्पण वो इंडिकेट करते हैं कि इनकी पूरी टीम में कितना उत्साह, एनर्जी और कितनी है। और इन सबसे बढ़कर श्रीमती नंदन, डॉक्टर पायल, उसका भी योगदान, जिसको मैंने कभी कभी कंप्लेन करते नहीं देखा कि नंदन तुम हर समय गायब क्यों रहते हो घर से। तो पतियों का भी बड़ा ये एक धर्म होता है कि वो पतियों का उत्साह वर्धन करें। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं बस यही कह के जा रही हूँ, फिर मिलेंगे किसी और इससे भी बड़े काम को जब आप करेंगे, क्योंकि हमेशा चेंज की गुंजाइश होती है तो अच्छाई की भी गुंजाइश होती है। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई और बहुत धन्यवाद मुझे इस आज के कार्यक्रम में शामिल करने का, बहुत धन्यवाद। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी की नोट यही है ज्ञान सुधा मिश्रा जी की तरफ से, और नंदन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सम्मान करें ज्ञान सुधा मिश्रा जी का, जोरदार तालियां प्लीज। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व अध्यक्ष NHRC जस्टिस KG बालाकृष्णन को। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, मिस्टर नंदन झा, श्री वेद प्रताप वैदिक, मिस्टर सुरेश अब्रॉय, माई एस्टीम्ड फॉर्मर कोलीग ज्ञान सुधा मिश्रा जी, अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंग्रेचुलेट एंड एक्सटेंड माई हार्टिएस्ट गुड विशेस टू द रेसिपिएंट्स ऑफ द वेरियस अवार्ड्स which were distributed in this here and in the house of our president, a former president. The large number of people in our country are suffering from various types of privations, health
or education, social service, and various problems, suffering. And there are, fortunately, large number of people are prepared to render their service to them. And we have to find out them, motivate them, give them incentive, help them. And that is the purpose Nandan Jha and his colleagues are doing. It's an excellent work. I am happy that last year also, I was associated with this sort of function. And I am sure he will continue to do this work to encourage people to do public service. And this is a very, very important work which require in a large country like India. Thousands of people are suffering from health problems, education problems, their children are not able to pursue the studies of children because of the penury. So these are all matters which requires the help of the good-hearted people, and that they will come forward if they are motivated. Even without motivation also, there are a large number of people. But to congratulate them, find out them, help them, and wish them, and give them a platform, that is what is required in this award-winning session. This is a very, very excellent idea to be emulated by other organizations also. And I find no words to describe the excellent idea of Nandan Jha and his colleagues for doing this work. I am sure that the people in large number will come for public service to help the others. There are large number of people, they have no voice. Their voice is not heard. They are in the outer periphery of our society. There is nobody to help them. They are voiceless, mute people. We have to help them. Then only the society can move forward. There would be an inclusive growth of this country. Otherwise, we may talk about all progress and everything made in this country, but a large number of people are still in poverty, still in difficulty, still not able to find a good medical advice. That is still a great problem which the country may face. We should have a beautiful country within the shortest possible time. That could be achieved only by this sort of hard working, this dedicated, sincere social service, social activist, require the service of this country. They let them come forward, and we will find out them, we will try to congratulate them, encourage them, and give, yes, this is a small award, but that is a great, sometimes it is a great motivation for such people. That is the purpose of this award. I wish all success to them and continue to do the social service for the good of the people of this country. Thank you very much. And I am happy that I am associating with this function. Thank you. Bahut bahut dhanyavad, Justice K.G. Balakrishnan ji aapka, aur hamare saath manch par Vijender Singh pahunch gaye hain. Indian professional boxer hain, राजनेता भी हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, फिल्म फगली में काम कर चुके हैं, रन पॉप भी करते हैं, ओलंपिक पदक विजेता हैं, साथ ही कॉमनवेल्थ पदक विजेता भी. उससे पहले मैं तालियों से स्वागत करवाना चाहूंगी. सम्मान किया जा रहा है जस्टिस के जी बालाकृष्णन जी का. तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए. संख्या बल से फर्क नहीं पड़ना चाहिए. सभागार गुंजाय मान रहे तभी अच्छा लगता है. और अब नंदन झा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह जी का स्वागत करें. और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर श्री मुरली मनोहर जोशी जी को. पॉलिटिशियन और फिजिसिस्ट, 2 PS का
परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। 1991 से 1993 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और हमारे लिए ये गौरवपूर्ण बात है कि आज हम मुरली मनोहर जोशी जी को सुनने जा रहे हैं। मैं स्वागत करती हूँ मुरली मनोहर जोशी जी का। एक बार पुनः जोरदार तालियां। बहुत स्वागत मुरली मनोहर जोशी जी, आप यहां आए हमारे मान में बहुत वृद्धि हुई है और अब ज्ञान में भी बहुत वृद्धि होगी जैसे ही हम आपको सुनना आरंभ करेंगे। मैं स्वागत करती हूं मुरली मनोहर जोशी जी का। सम्माननीय न्यायमूर्ति श्री के जी बालकृष्णन जी, श्रीमती ज्ञान सुधा मिश्र जी, कार्यक्रम के सूत्रधार श्री नंदन झा जी, श्री सुरेश ओबराय जी और मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आग्रह करने वाले श्री वेद प्रताप वैदिक जी, सभागार में उपस्थित यदि कोई आज के सम्मानित पुरस्कृत सज्जन हो तो, अन्यथा अनुपस्थित सभी उन लोगों को जो कि पुरस्कार लेने के बाद कार्यवश यहाँ से जा चुके हैं, तथा इतने इस बहुत देर तक इस कार्यक्रम में भागीदारी करने वाले देवियों और सज्जनों, अंत में बोलने वाले के लिए बड़ी कठिनाई होती है कि वो कहाँ से शुरू करे, क्योंकि जहाँ से वो शुरू करना चाहता होगा वो सब खत्म हो चुका होता। तो इसलिए अभी उद्घोषिका ने कहा कि मेरे खड़े होने से यहाँ आपको कुछ ज्ञान मिलेगा, मेरा ख्याल है ज्ञान भी आपको पर्याप्त मिल चुका है और इसलिए कुछ अधिक ज्ञान देने की मेरी अब क्षमता नहीं बची है। सबसे पहले तो मैं नंदन झा जी और उनके सहयोगियों का अभिनंदन करूंगा, उन्हें बधाई दूंगा कि उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया है, पहले भी कर चुके हैं और आशा करता हूँ आगे भी करते रहेंगे। जिन लोगों ने आज इन सब सम्मानित पुरस्कृत महानुभावों का चयन किया है उन न्यायमूर्तियों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि बहुत दिनों के बाद हमारे मित्र सुरेश ओबराय जी के साथ बैठने का काफ़ी समय तक अवसर मिला, वो बहुत दिनों के बाद मिले हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए भी मैं नंदन झा जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने दो पुराने लोगों को मिलवा दिया। मुझे ये पता नहीं चला कि आज के जितने भी सम्मानित पुरस्कृत गेम चेंजर्स थे उनमें से किस किस को किस विषय में मिला, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने सुना उसमें कुछ भारत को स्वच्छ बनाने के कार्यक्रम, चाहे मानसिक रूप से हों चाहे भौतिक रूप से हों, कुछ स्वच्छता अभियान से ज़्यादा जुड़े हुए लोग मुझे दिखाई दिए। मुझे इस संबंध में केवल दो बात आपसे कहनी है कि ये भारत गंदा कब हुआ? क्या भारत गंदा हमेशा से था? क्या गंदगी भारतवासियों की कोई विशेष खास अपनी प्रतिभा है, उनका गुण है, स्वभाव है? जितना कुछ मैं भारत के इतिहास को जानता हूँ, भारत कभी भी गंदा नहीं था। कब से गंदा हुआ इस पर भी सोच करने की ज़रूरत है, क्यों गंदा है इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है, गंदगी कहाँ से और किन स्रोतों से आती है उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। एक तो मानसिक, आध्यात्मिक, जिसका
बहुत बड़ा कार्यक्रम सुरेश ओबेरॉय जी चलाते हैं उसको दूर करने का, लेकिन मुझे इतिहास देखने पर यह पता लगता है कि सबसे पहला स्वच्छ अगर कोई नगर बना था तो मोहनजोदड़ो में देखने के लिए मिलता, गंदगी का नाम निशान नहीं, स्नानागार बने हुए हैं, बहुत अच्छे जल निस्तारण के प्रबंध बने हुए हैं, सड़कें बहुत अच्छी हैं, साफ सुथरी हैं, जैसी रखी हुई मिली हैं वैसी अभी हैं, तो उस समय तो हम गंदे नहीं थे। उसके बाद जो इतिहास में लिखित वर्णन मिलता है वो चीनी यात्रियों का मिलता है, जो आज से 1500 साल पुराना, फायान ने लिखा है कि उसको देख के आश्चर्य हुआ कि भारत में गंदगी नहीं है, पटना शहर पाटलिपुत्र उस समय कहते थे, ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर है, बहुत साफ सुथरा है और बड़ा चमकदार है, और यहाँ आने पर पता चलता है कि वैभव और जीवन कैसा होना चाहिए। उसके बाद 18वीं शताब्दी के शुरुआत में एक और अंग्रेज इस देश में घूमने के लिए आया, वो भी इत्तेफाक से बिहार में गया था। उसने कहा ये अद्भुत है बिहार, यानी जब समय मगध का इलाका जो कहलाता था, इसके हर गांव में बड़ी स्वच्छता है, इतना स्वच्छ तो गांव मैंने कहीं देखा नहीं, हर व्यक्ति के घर के सामने का जो क्षेत्र है बैठने का वो साफ है, पानी छिड़का हुआ है, कहीं कहीं रेत भी रख दिया गया है ताकि कोई फिसले नहीं, सड़कें साफ हैं, लोग बहुत साफ हैं, बहुत ही आतिथ्य करने में बहुत पटु हैं, महिलाएं बहुत सुसज्जित हैं, बहुत ही शालीन हैं, ये 18वीं शताब्दी की शुरुआत में वर्णन है। फिर हम ये 200, 250, 300 साल में गंदे कैसे हो गए, ये गंदगी कहाँ से आई, क्योंकि ये तो साफ है कि ये हमारा स्वभाव नहीं है, अस्वच्छ रहना ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा जो धर्म का मूल स्रोत है वो केवल 8-10 चीज़ें हैं, उसमें पूजा पद्धति नहीं है, अहिंसा है, अस्तेय है, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, शौच, स्वच्छ रहो, इंद्रिय निग्रह करो, ये हमारे धर्म के 10 लक्षणों में, अगर आप इसका पालन करते रहेंगे तो आप स्वच्छ भी रहेंगे, और अपरिग्रह करेंगे तो कोई भी असंतुलित जीवन नहीं होगा। ये जो सारी गंदगी है जिसको आजकल बड़ा सबसे बड़ी कठिनाई होती है, सॉलिड जो आपका कूड़ा है उसके प्रबंधन में, बड़े बड़े पहाड़ हो गए हैं दिल्ली के किनारे पर, देखिए न्यूयॉर्क में जाइए तो इतना ऊंचा पहाड़ है कि जो कई 100 एकड़ में फैलाया जा सकता है, टोक्यो में भी यही हाल है। जिन बड़े शहरों को मैंने देखा है दुनिया के, उनमें सबकी गंदगी इकट्ठी करके एक जगह रख दी जाती है। तो ये गंदगी आती कहाँ से है, वो जैसा शायद शिल्पा जी ने कहा था कि गंदगी हम करते हैं, हम जो उपभोग करते हैं ज़्यादा, कंजम्पशन करते हैं ज़्यादा, उसकी वजह से गंदगी होती है। जो पैकेजेस हमारे घरों में आते हैं वही आखिरकार को पोल्यूशन पैदा करते हैं, उसी के कारण से सॉलिड स्टेट का जो कूड़ा है वो बहुत बढ़ता है। अगर हम उपभोग पर संयम रखेंगे तो आप देखेंगे कि पानी भी स्वच्छ रहेगा, हवा भी स्वच्छ रहेगी, घर भी स्वच्छ रहेगा, और ये भारी मात्रा में जो कूड़ा करकट पैदा होता है वो भी नहीं होगा। ये कूड़ा करकट पश्चिम से यहाँ आया है, माफ़ करें मुझे बात कहने के लिए, हमने दुनिया में किसी को कूड़ा करकट नहीं दिया, हमारे यहाँ आज वी आर बीइंग डम्प्ड, जितना दुनिया भर का आज इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा है वो भारत में डंप हो रहा है। इस बात को समझिए, कौन कर रहा है उसका, कौन बुला रहा है उसे, हम 10-10 मोबाइल आप रखते हैं, 5-5 आप अपने साथ वो रखते हैं, कंप्यूटर्स रखते हैं, बहुत कूड़ा पैदा होता है इससे, और बड़ा खतरनाक कूड़ा पैदा होता है। तो ये कौन पैदा कर रहा है,
वो सारा कूड़ा, वो सारा मिसमैनेजमेंट जो कुछ है वो कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। इसलिए सोचना पड़ेगा कि हमें अपने उपभोग को, अपने कंजम्पशन को कितना रखना होगा, सीमित रखना होगा। आप असीमित नहीं रख सकते। मैं पिछले 30-35 सालों से दुनिया भर में ये बात कह रहा हूँ और मुझे खुशी है कि अब वैज्ञानिकों ने और साथ ही साथ यूनेस्को और यूएनओ ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अगर हमारा कंजम्पशन, हमारा उपभोग बढ़ता रहेगा तो दुनिया का जीवन, मनुष्य सभ्यता का जीवन बहुत थोड़ा है। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आइदर चेंज और पेरिश, या तो बदल जाओ वरना नष्ट हो जाओ। इसलिए ये बदलाव ज़रूरी है। बदलाव आदतों में ज़रूरी है, सोच में ज़रूरी है, कंजम्पशन में ज़रूरी है, प्रोडक्शन टेक्निक्स में ज़रूरी है और प्रकृति से, ज़रूरत से ज़्यादा लेने की सोच में ज़रूरी है। और इसीलिए सारी टेक्नोलॉजी को बदलो, सारी व्यवस्थाओं को बदलो, प्रकृति के साथ जिंदा रहना सीखो, गो बैक टू नेचर। प्रकृति के साथ रहिए, कूड़ा कभी नहीं होगा। प्रकृति कूड़ा नहीं करती, प्रकृति गंदगी को साफ भी करती है। इस बात को गौर से देखिए और समझिए। प्रकृति में आप संतरा देखें ना, पैदा होता है, जैसे जैसे संतरा बड़ा होता जाता है, पैकेज भी उसी के साथ बड़ा होता जाता है। दूसरी तरफ से पैकेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ए बनाना ग्रोज विद द पैकेज अलॉन्ग विद द मैटर। उसको ये ज़रूरत नहीं है कि पहले केले का अंदर का बनाओ, फिर बाहर से पैकेज लगाओ और फिर जोड़ के भेजो। दैट प्रोड्यूसेस डिफिकल्टी। लिव विद द नेचर, लर्न विद द नेचर। आप देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे, ये जितने भी प्राणी हैं, छोटे से छोटे, मधुमक्खी है, दीमक है, अगर अब तो वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है उसका कि दीमक की अगर रचना को देखेंगे आप, जो उसके बांबी बनती है, हिल्स बनती हैं, उसमें हीट और कोल्ड दोनों को बैलेंस करने का पूरा प्रबंध रहता है। वो गर्मियों में अंदर से ठंडी रहती है, जाड़ों में अंदर से गर्म हो जाती है। क्यों, कैसे? दे हैव ए टेक्नोलॉजी। आप क्या उस टेक्नोलॉजी को सीखेंगे नहीं? अगर आप उस टेक्नोलॉजी के आधार पर अपनी टेक्नोलॉजी बनाएंगे तो न तो इतने वेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और न हर बार ये कहने की ज़रूरत पड़ेगी कि एडजस्ट योर टीवी एट 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 24 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ से आया? क्योंकि वहाँ हीट एक्सचेंज सबसे कम, उसमें एनर्जी सबसे कम जाती और टेम्परेचर शरीर का और वायुमंडल का बना रहता। ये वहाँ से आया, ये उन कीड़े मकोड़ों के जीवन को देख के आया कि ये कैसे रहते हैं, ठंड में कैसे रहते हैं, चूहे कैसे रहते हैं, दीमक कैसे रहती है। अब आज अब वैज्ञानिक उस तरफ जा रहे हैं, उधर देख रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि अब चिंता इस बात की हो रही है कि कम से कम मटेरियल, नैनो रिसर्च हो रही है, नैनो, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, 10^-9 इस साइज के पार्टिकल्स, उसका उपयोग किया जाए ताकि वेस्टेज कम हो। मगर उसको आने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक दिक्कत यह है कि जो कुछ अभी हम 250-300 साल में प्रकृति को बर्बाद कर चुके हैं वो हमें रहने देगी या नहीं रहने देगी। हमने बहुत कुछ नुकसान प्रकृति का किया है। प्रकृति हमारी माँ है। माँ का आप दूध पी सकते हैं मगर माँ का खून नहीं चूस सकते। हम पिछले 200-250 साल से अपनी माँ का खून चूस रहे हैं। आखिर वो भी नाराज़ हो गई है, गुस्से में है और झांपड़ पर झांपड़ लगा रही है। कभी बाढ़ लाती है, कभी भूकंप लाती है, कभी तूफान लाती है। कोई देश उसके सामने टिकता नहीं है। बड़े से बड़े समाज को उसने नष्ट कर दिया, अरबों खरबों रुपए का नुकसान कर दिया है लोगों का। जो कुछ हमने इकट्ठा किया था वो एक साथ में बाहर बढ़ा कर ले गई। 12,000 करोड़ रुपये अकेले केरल का नुकसान कर, उत्तराखंड में नुकसान कर दिया, जम्मू कश्मीर में रोज नुकसान हो रहा है। तो इसलिए इसको सोचकर समझकर देखिए। और मैं इसलिए कहता हूं
कि अगर गेम चेंज करना है, अगर वाकई बदलाव लाना है, तो एक बड़े भारी पैमाने पर एक मानसिक क्रांति करने की ज़रूरत है। और उस तरफ जो लोग कदम उठा रहे हैं वो भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। सोच, शांति, और मैं कई बार कहता हूँ तो इकोनॉमिक्स से भी बात होती है कि मैड रेस फॉर जीडीपी, इसको छोड़कर हम जी एचपी की तरफ जाएं, ग्रॉस हैप्पीनेस पैरामीटर बजाय ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट के, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, अगर हम ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट की तरफ चलें तो शायद दुनिया का ज़्यादा भला होगा। और इस मामले में भूटान ने दुनिया को रास्ता दिखाया है। उन्होंने जीडीपी के पैरामीटर्स एक्सेप्ट नहीं किए, उन्होंने कहा कि हम ऐसी अर्थव्यवस्था बनाएंगे जो हैप्पीनेस के लिए केंद्रित हो। थिंक ऑफ द हैप्पीनेस। ये काम हिंदुस्तान को करना चाहिए था, और ये बदलाव ज़रूरी है कि आप बजाय जीडीपी को अपनी तरक्की का साधन मान के ग्रॉस हैप्पीनेस को अपना साधन माने। मानव कितना प्रसन्न है, कितना संतुष्ट है, कितना सुखी है, ये देखने की बात है, न कि वो कितना दुखी है और कितने ऐश और आराम में है। इसलिए आगे आप जब भी कुछ काम करें गेम चेंजिंग के लिए, तो जो रियल गेम है, जो डर्टीएस्ट गेम है और जो मोस्ट डेंजरस गेम है, उसको बदलने के लिए कोशिश करवाइए। हमारे जैसे बहुत लोग उसमें आपके साथ खड़े होंगे। चेंज, चेंज द कंजम्पशन, चेंज द टेक्नोलॉजी, चेंज द इकोनॉमिक रिलेशनशिप, आप देखेंगे दुनिया बदल जाएगी। इसलिए चेंज फ्रॉम एन इगोसेंट्रिक सिस्टम टू एन इकोसेंट्रिक सिस्टम, दुनिया बदल जाएगी। उस बदलाव की तरफ हमें जाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बदलाव इन लोगों ने किया वो बेमाने हैं, वो भी बहुत सार्थक हैं, उनका अपना महत्व है, वो होना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ा बदलाव एक इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल चेंज की तरफ हमें ले जाना है। उसी में हिंदुस्तान विश्वगुरु बनेगा। भले ही 5 ट्रिलियन बने न बने, लेकिन दुनिया को बदलने वाला हिंदुस्तान अगर बनेगा तो वो नेचर के साथ जाके अपने सिद्धांतों पर चल के, और याद रखिए जब हम अपने सिद्धांतों पर चल रहे थे तब हिंदुस्तान 25% ऑफ वर्ल्ड मार्केट का मालिक था, आज आप 2% के भी मालिक नहीं है। तो हमें देखना चाहिए कि वो सिस्टम्स, वो तरीके, वो सोच जिससे हम 25% पर थे, वो कहाँ गए, वो वैल्यूज कहाँ गई। अगर वो हैं तो उनको फिर से जिंदा कीजिए। आप वैल्यूज को लाइफ सिस्टम में लाएंगे तो आपकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब तरह की तरक्की होगी। और मेरा विश्वास है कि आप श्री झा और उनके सहयोगी इस तरफ भी ध्यान देंगे और असली बदलाव को लाने की कोशिश करेंगे। द रियल चेंज ऑफ द गेम, द लॉज ऑफ ए न्यू गेम, एंड लेट अस प्ले देम। बहुत बहुत नमस्कार। न सिर्फ ओलंपिक पदक और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक विजेता हैं, बल्कि प्रोफेशनल बाउट्स में भी अभी तक इनका कोई सानी नहीं है। 12 बाउट्स खेली हैं और 12 के 12 में विजेंद्र को जीत हासिल हुई है। बहुत बहुत बधाई विजेंद्र आपको हमारे इंडियन अचीवर बनने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अनुग्रह करूंगी नंदन झा जी से कि अपना वोट ऑफ थैंक्स करें। धन्यवाद। आज आप सब जिस समय से, मुझे लगता है सुबह 6 बजे से हमारी पूरी टीम, 2 कार्यक्रम हो गया, एक कार्यक्रम माननीय प्रणब मुखर्जी के यहाँ और दूसरा कार्यक्रम विज्ञान भवन में, इतना पेशेंस सिर्फ इसलिए था कि मंचाधीश जो अधिकारी थे, जो हम सबके समकक्ष बैठे थे, उनका कद इतना बड़ा है कि आप सब अभी तक रुक के उनको इतने प्यार से सुने। हम सबके जीवन में मुरली मनोहर जोशी जी को सुनना
अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर के रूप में सबसे पहले तो ये कार्यक्रम इसलिए संभव हो पाया कि जब भी हमको जरूरत पड़ी, माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग जस्टिस केजी बालाकृष्णन जी और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी ने हमेशा एक पुत्र के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी जो भी आकांक्षाएं, जो भी बातें मैंने उनके सामने रखी, उनको सोच के समझ के और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जो भी लोग आज प्रणब मुखर्जी के यहाँ थे, ये मुख्यमंत्री से लेकर स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज से लेकर आचार्य बालाकृष्ण जी से लेकर, मतलब एक ऐसा कार्यक्रम और एक ऐसा सम्मान जहाँ आप एक मुखिया की भी सम्मान कर रहे हो और एक मुख्यमंत्री के भी सम्मान कर रहे हो, एक शंकराचार्य भी आ रहे सम्मान के लिए, और ये सब सिर्फ इसलिए संभव हो पाया कि हमारी पूरी टीम ने दिन और रात मिलकर मेहनत की है इसके लिए। एक बार पूरी टीम के तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो प्यार, जो स्नेह हमारी जूरी ने हम पर बना के अभी तक रखा है, उम्मीद करता हूँ कि उस भरोसे पर हम और हमारी टीम कायम रखेंगे। फिर से एक बार हमारे इंडियन आर्मी बैंड के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये 2 बजे से लेके और अभी तक खड़े ही हैं, हम सब बैठे हुए हैं अपने अपने जगह पर, मगर ये इंडियन आर्मी है जो अभी तक खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। एकदम जोरदार तालियां तो इनके लिए बनती है, उन सारे स्कूल के बच्चों के लिए जो कई घंटों तक कार्यक्रम में रहे, हमारी पार्टनर ब्रांड इम्पैक्ट जिनकी पूरी टीम हमारे साथ लगातार खड़ी रहती है, यस लास्ट बट नॉट द लिस्ट मेरी धर्म पत्नी पायल के लिए एक जोरदार तालियां, वो हरदम हर वक्त मेरे साथ खड़ी रहीं। आज के एंकर जिन्होंने 2-2 बार एंकरिंग की और हमेशा अच्छा और मधुर बोलती रहीं, सो मीनाक्षी जी और हमारे दूसरे उनके सहयोगी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपना विश्वास हमारे साथ बनाए रखें, हम एक जल्द ही बहुत बड़े कार्यक्रम लेकर आपके पास आने वाले हैं। पुनः एक बार डॉक्टर जोशी जी, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, हमारे गार्जियन सुरेश ओबेरॉय जी, मेरे मित्र विजेंद्र सिंह जी, के जी बालाकृष्णन जी हमारे गार्जियन और हमारी दीदी जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी, आपका तहे दिल से और पूरी टीम के तरफ से पंचायती टाइम से पावर कॉरिडोर के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आर्मी बैंड, और आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।